आवाज भी सुना डॉक्टर टाइम देता नहीं। मजदूर किसान एकता, भारतीय किसान यूनियन, इंकलाब। आप देख रहे हैं किसान आंदोलन की तस्वीरें करनाल में, रेल रोको जो आंदोलन की जो 18 तारीख रखी हुई थी, आज आप देख सकते हैं सभी। एक गल मैं याद आ गई, तुम सारे दस दया कि कुछ दिन पहला जो सीनियर आगू जित जान सरदार गुरनाम सिंह चरूनी और यूपी के जो अरैसट किया गया सी, तो यूपी सरकार छड़नी सी नहीं, रात का धरना जरा खट्टर की कोठी से लगा सी, तो खट्टर की कोठी उत्ते ना तिरंगा लगा सी जिंदा एक कोना फटिया होया सी। उत्ते साडे वीर ने जो मीडिया के अगे वो गल रखी, देश भगती इतों ही जाती है, इतों ही पता लग जाए कि किन्ने को देश को समर्पित ने, किन्ने को इस देश के प्रति जो वफादार ने। और तिरंगे का जो कोना फटिया सी, इंसानियत यह कहती सी, समझदारी सूझबूझ यह कहती सी कि इज्जत मान देना उस तिरंगे को बदलिया जाता, पर अब जा वेखो उ तिरंगा ही नहीं है, एक जो वे देश भगत ने वेखो तुम इतों तुम पता लग जाएगा कि खट्टर की कोठी से जो तिरंगा झंडा लगा हुआ है वह फटिया होया जो साढ़े किसान भरावान ने मीडिया के गल रखी, मीडिया में विखाया कि वेखो इन्हों की जी देशभक्ति इतों पता लगती है। अकलमंदी तो यह कि वह बदलते इज्जत मान के दूसरा नवा झंडा उसे लगाते, पर अब उसे झंडा ही नहीं है, झंडा ही हटा चढ़िया इन्होंने, आके इन्नी कोई सूझबूझ दे मालक नहीं। और अब जैसे ही मैं देख रहा था वक्ता बोल रहे थे, मेरी बहन राजेश्वरी जी बोल के गई, बड़ी मायूसी के साथ में मैं शब्द कह रहा हूँ, बुरा लगे तो भाई मुझे माफ कर देना, अगर अच्छा लगे तो आने वाले आंदोलन में दोबारा हमें ये चीज सुनने को ना मिले। वो बार बार मेरी बहन यही कह रही थी, काले कानून काले कानून काले कानून, लेकिन किसी भी भाई के मुंह से जोश भरा जवाब नहीं आया। अरे दोपहर का हमने खाना खा लिया, हम सब की बैटरियां चार्ज हो गई। आप कहां से हैं सर? इवन काम है शेख प्रसवाणा से, कोई कोई किसान बोल रहा था। इस किसान आंदोलन को 10 महीने हो गए चलते, लगी मेरे दोस्तों 11 हो जाएंगे 26 ना, हाँ अभी 10 हो गए, 11 हो गए ना, 11 महीने के दौर में होना चाहिए, हर चीज देखी है, सर्दी भी आई गर्मी भी आई बरसात भी आई है। मैं आ रहा हूँ मेरे जो नया काम बनया जो अकालियों द्वारा, मैं आपके सामने दोबारा किसान जो भी आदमी था किसान था कौन था उसके जो हत्या की गई, हत्या ही कहेंगे उसको, बोलने वाला वक्ता अपने मन की आवाज़ से उस पे किसान आंदोलन का क्या इफेक्ट, किसान आंदोलन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका, एक बात बताओ, किसी का धर्म न छेड़ेगा या किसी की दाढ़ी बात पावेगा, खून बाप से मामला है, जनून है, वो भी बच्चे से जिन पर हाँ जी, ये तो मैंने आपको छोटा एक समाज है, इतने आदमी है, सबकी जिम्मेवारी, कोई कैसा है यही कोई गलत हरकत कर देता है वो तो हरकत होगी, या सो है ला लो या उनका कर्म छेड़ा गया, वो चोरी कर रहा था, जो भी कर रहा था कर्म को छेड़ा गया, उनका कर्म को चोरी कर रहा था वो, है जी एक धर्म पर ज्यादा मर रही है उस बात का गुस्सा है, पता क्या जी धर्म तो ऐसा है, अभी धर्म तो सबका एक समान है, सबके सभी धर्मों की इज्जत करनी चाहिए, हिंदुस्तान है इसमें चारों धर्म अपने पूरी तरह पूजे जावे, अपने संविधान में लिखा हुआ है कि हर धर्म के मान सम्मान करो, देखो या तो माड़ा निंदनीय होया, हाँ तो क्यों अगर उसने गलती करी थी, उससे जो गलती हुई है चलो हुई है नहीं हुई है तो बाद में जांच में पता लगेगा, अगर उसने गलती की है तो क्यों उसको क्यों नहीं कानून के हवाले किया, कानून के हवाले करना था, कानून के हवाले करना, कानून के हवाले करना था, वो तो जो न कर या के कर सका बताओ, वो तो पता भी कानून के हवाला करना था, तो इस पे जो ये घटना घटी है जो भी है, मतलब इस पर पे क्या कुछ किसानों में मायूसी आई है, दूध का दूध और पानी का पानी, छानबीन होगी, जो भी गलती जिसकी पावेगा, जो उन्होंने हरकत करी है बाप दौड़ा करी ना होना, तो उसकी इंक्वायरी भी होगी। ये करनाल रेलवे स्टेशन का आप दृश्य देख रहे हैं, यात्री पहुंच रहे हैं, आप कहां से आए हैं? बिहार से। नहीं आप आए कहां से हैं? अभी करनाल से। तो अब रात को आपको विश्वास है अभी ट्रेन मिलेगी? और मिल जाएगी सर। कोई जानकारी है अभी रात को ट्रेन किस समय आएगी? कोई जानकारी नहीं है। तो आप ऐसे ही निकल दिए भाई, रात को कोई तो गाड़ी मिलेगी? पता नहीं, आए हैं, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो घूर के जाएंगे। आज कहाँ से आए हो?
मैं रतलाम से ही। रतलाम से? रतलाम से ही हूँ, रतलाम जा रही हूँ। तो आज स्टेशन पे आए, आपको जानकारी नहीं थी ये हड़ताल है? जानकारी क्या, हमें तो कोई मालूम ही नहीं थी, हमने यहाँ आके मालूम पड़े, टिकट हो वहाँ। किस समय के बैठे हो यहाँ पे? हम यहाँ से चार दिन होगा यहाँ आएंगे हमारे को। नहीं नहीं, आज सुबह किस समय आए? एक बजे के। एक बजे के बैठे हो? तो अब लगभग पाँच तीन चार घंटे होगा। तीन चार घंटे? हाँ। तो कुछ बच्चा भी, बच्चा भी छोटा, नहीं खाया, यही खाया, खाना यही खाया है ये? हाँ, छोटा बच्चा है, सामान है साथ में। अच्छा, बड़ी दिक्कत हो रही है अभी तक भी ठिकाने नहीं गाड़ी अब तक आई क्या मालूम। नहीं अभी इनका समय पूरा होने वाला है, अभी थोड़ी देर में खोल देंगे। कमल में आएगी कि नहीं गाड़ी, आएगी कि नहीं? तो ये हमारा टिकट फालतू जाएगा। इंक्वायरी इनसे पूछा नहीं आज? पूछा, बोला आएगी आएगी, अब ये कह रहे हैं, अब देखो अब क्या है। और वो टिकट क्या तारीख चली जाएगी, तो मेरे कहना जेब में पैसे भी नहीं। तो ये कुछ उसका हाल बता नहीं रहे आपको? कुछ भी नहीं बता रहा, बस ये कह रहा आएगी आएगी बस। आप कहाँ जा रहे हैं? कटिहार। हाँ जी, कटिहार। तो आपको भी जानकारी नहीं थी ये आ जाए, ये बंद रहेगा? नहीं सर, नहीं जानकारी था, जानकारी रहता तो पैसे। यहाँ किस समय के बैठे हो? 11 बजे से बैठे। 11 बजे के? जी। तो अब क्या कह रहे हैं, यहाँ पूछा था इनको इंक्वायरी से भी किस समय गाड़ी आएगी? तो 4 बजे बाद बता रहे हैं। 4 बजे के बाद? बाद तो 4 बजे के, 6 भी बजेंगे, 7 भी बजेंगे, क्या होगा? टिकट भी बना हुआ है? नहीं, कोई समय फिक्स नहीं बताया, अभी 7 बजे आएगी, 6 बजे आएगी? नहीं सर, टिकट पहले ही बना हुआ आपका, 10 रोज पहले बना, 10 रोज पहले का। तो अभी इसका कोई हाल नहीं बता रहे? कोई। आप कहाँ जा रहे माता जी? समस्तीपुर बिहार। कहाँ से आए हो? या करनाल से। करनाल से हो? हाँ। आपको तो चलो घर था, आप तो चले गए होंगे घर से, अभी आए होंगे। हाँ जी सर, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं सर यमुनानगर से आ रहा हूँ, मैं जॉब करता हूँ पलवल में। अपना शुभ नाम? मुकेश कुमार नाम है मेरा। और आप यमुनानगर के रहने वाले हैं? यमुनानगर का रहने वाला हूँ, मेरी रिजर्वेशन थी ये कुरुक्षेत्र से, ट्रेन है पलवल के लिए, तो उसमें रिजर्वेशन थी, आगे जाती है ट्रेन, तो पलवल तक रिजर्वेशन थी, लेकिन ये किसान आंदोलन के कारण वो ट्रेन जो है ना कैंसिल हो गई। और रिजर्वेशन कराई हुई थी ऑनलाइन हमारे पास, तो उसके बाद फिर मैं क्या वहाँ से, अब क्या वहाँ से वापस आए, फिर वापस आए करनाल बस स्टैंड पे आए वहाँ से, लेकिन बसेज इतनी फुल थी, लबालब भरी हुई थी, बुरा हाल। तो वहाँ से फिर बस का हो नहीं पाया कुछ भी, अब क्योंकि ऑलरेडी टिकट थी मेरे पास। अभी मेरा फ्रेंड एक जो कि कुरुक्षेत्र बैठा हुआ स्टेशन पे, उसने अभी बोला, कहता मालवा एक्सप्रेस है एक जो कि 4 बजे चलेगी, वो सुबह 10 बजे की रुकी हुई है इसी आंदोलन के करके, सुबह 10 बजे की रुकी और 4 बजे अभी आएगी। और मेरे को उसने एडवाइस किया, रुकी हुई है वो कुरुक्षेत्र स्टेशन पे, उधर से अमृतसर से आती है, अमृतसर से आती है वो मालवा एक्सप्रेस, तो वो स्टेशन पे है कुरुक्षेत्र। और फ्रेंड ने एडवाइस किया, कहता कुरुक्षेत्र तो पहुंच नहीं पाएंगे, और आप ऐसा करना करनाल स्टेशन पे पहुंचो। तो करनाल अब मैं आया हूँ, टिकट मेरे पास है वैसे एक्सप्रेस ट्रेन की है, लेकिन अभी यहाँ आके देखा है, यहाँ मंजर कुछ हो रही है, किसान बैठे हैं, टिकट है पर गाड़ी नहीं है, गाड़ी नहीं है। बसेज थी, लेकिन बसेज फुल थी, क्योंकि ट्रैवल इतना 7-8 घंटे का है, बैक पेन रहती है, बड़ा मुश्किल है पहुंचना बस में। तो वहाँ से फिर बस स्टैंड से मैं करनाल बस स्टैंड से यहाँ आया, अब देखते हैं कि वो 4 वाली ट्रेन मेरे को लेके जाती है नहीं पलवल पे तक, देखते हैं। ये देखिए किसानों द्वारा लगाया गया लंगर, आप देख सकते हैं इस समय का लंगर चल रहा है। ये सवेरे का चल रहा है, 9-10 बजे स्टार्ट कर दिया था, 10 बजे 10 बजे कैसा लगे प्रसाद? बहुत बढ़िया लगे है, और प्रसादे खाओगे और क्या करेंगे, हमने बुढ़िया ने कौन खड़ा होता, या मोदी ने खोल की दुकान? नहीं, मोदी की तो किसानों की दुकान है आपकी है, है? फिर कहे किसान हलवा खा रहा है, किसान पूरी खा रहा है, जलेबी भी खाओ है, हलवा भी खाओ है, बर्गर भी खाओ है, यही तो बात सारे नहीं पूछा करते,
अपनी मेहनत का खावा, अपनी मेहनत का खावा। चलो जी, अपनी मेहनत का खाना क्यों, बिल्कुल हिम्मत करके कमाता है, मेहनत करके कमाता है तो ठीक है। मेरी तो सुनो, हाँ जी, हाँ जी, आज का जो ये 18 तारीख का बंद रखा था आपने जी, ये पूरे भारत में बंद है जी। जो लखीमपुर खीरी में हमारे भाई शहीद हुए थे, अभी तक जो उनके अपराधी हैं उनके ऊपर पूरी तरह कार्रवाई नहीं हुई, ना गिरफ्तारी हुई, और जो अजय मिश्रा है ना अभी तक वो अपने गृह मंत्री जो पद है उससे सस्पेंड नहीं किया गया, उसको लेके हमारा ये आज भारत बंद, उसका रेल रोको जो आंदोलन था वो। अपना शुभ नाम? मैं दीप दालवाल, त्रावड़ी। कितना प्रेम और प्यार बढ़ गया इस आंदोलन में, 36 बरादरी का प्यार कितना बढ़ गया महाराज, एकजुट हो गया सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे बैठकर, सारे भाई बैठकर बतलावा और इस सरकार के बारे में सोच विचार करो।